अस्सलामु अलैकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं उर्दू टॉक शो और मैं हूं आपका मेजबान हाफिज अब्दुल्ला। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको नेपाल के बारे में चंद अहम और दिलचस्प हकायक बताऊंगा, जो यकीनन आप पहली मर्तबा जानेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आप सभी व्यूअर्स से गुजारिश है कि प्लीज 1 लाख सब्सक्राइबर गेन करने के लिए मेरी हेल्प करें और इस रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इससे आपको मेरी आने वाली हर नई वीडियो के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती रहेगी। तो चले चलते हैं वीडियो की तरफ। नेपाल साउथ एशिया का एक इंतहाई खूबसूरत मुल्क है। नेपाल को इंतजामी लिहाज से 7 रियासतों में तकसीम किया गया है और इन 7 रियासतों को आगे 75 इजला में तकसीम किया गया है। नेपाल के दारुलकूमत का नाम खटमांडू है। खटमांडू यहाँ का दारुलकूमत होने के साथ साथ नेपाल का सबसे बड़ा शहर भी है और इस शहर की कुल आबादी तकरीबन 11 लाख के करीब है। और अगर रकबे की बात की जाए तो इस शहर का कुल रकबा 50 किलोमीटर स्क्वायर है। नेपाल चारों तरफ से इंडिया और चाइना के दरमियान घिरा हुआ है। नेपाल की 3 साइडों पर इंडिया की बाउंड्री लगती है। नेपाल के जनूब में चाइना है, जबकि इसकी बाकी 3 साइडों की तरफ इंडिया की रियासतें मौजूद हैं। नेपाल का कुल रकबा 1,47,181 किलोमीटर स्क्वायर है। रकबे के लिहाज से यह दुनिया के 95 नंबर पर आने वाला मुल्क है। और अगर आबादी की बात की जाए तो 2017 के अदादोशुमार के मुताबिक नेपाल की कुल आबादी 2,88,25,709 अफराद पर मुश्तमिल है। आबादी के लिहाज से नेपाल दुनिया के 48वें नंबर पर आने वाला मुल्क है। कोह हिमालया का ज्यादातर इलाका नेपाल ही में वाकई है। दुनिया की सबसे ऊंची 10 चोटियों में से 8 चोटियां नेपाल में मौजूद हैं, जिनमें से दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट भी शामिल है। नेपाल में फेडरल पार्लियामेंट्री निजाम मौजूद है, जिसके मुताबिक यहाँ के प्रेसिडेंट का नाम विद्या देवी भंडारी है, जबकि वाइस प्रेसिडेंट नंदा किशोर पुन है और यहाँ के वजीर आजम का नाम शेर बहादुर ड्यूबा है। नेपाल में 1994 के बाद इंटरनेट मुतारफ करवाया गया था, मगर यहाँ आज भी लीबिया के बाद सबसे कम इंटरनेट स्पीड मौजूद है। नेपाल के 60% से ज्यादा लोग 256 केबी पर सेकंड से भी कम स्पीड का इंटरनेट इस्तेमाल करते हैं। नेपाल दुनिया के उन चंद ममालिक में से एक है जो अपना इंडिपेंडेंस डे नहीं मनाता, क्योंकि इन पर कभी किसी गैर मुल्क ने पूरी तरह कब्जा नहीं किया। जब बड़े सगीर पाको हिंद पर बर्तानिया ने कब्जा किया था, उस वक्त नेपाल का चंद हिस्सा भी इसके कब्जे में आया था, मगर फिर ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इसे वापस नेपाल के हवाले कर दिया। नेपाल को साउथ एशिया का पुराना तरीन मुल्क होने का एजाज भी हासिल है। बुद्धिस्ट धर्म से ताल्लुक रखने वाले लोगों का मानना है कि उनके लॉर्ड गौतम बुद्ध का जन्म नेपाल में ही हुआ था। नेपाल का दारुलहुकूमत खटमांडू दुनिया का वाहिद दारुलहुकूमत है, जहां 15 किलोमीटर के अंदर अंदर 7 वर्ल्ड हेरिटेज साइट कायम हैं। नेपाल का कौमी झंडा दुनिया का वाहिद झंडा है, जिसकी शक्ल स्क्वायर या रेक्टेंगुलर होने की बजाय 2 ऊपर नीचे ट्रायंगल की शेप बनी हुई है, जो हिमालय की पहाड़ियों को जाहिर करती है। और इन ट्रायंगल्स के अंदर चांद सूरज बना हुआ है, जो यहाँ मौजूद हिंदुज्म और बुद्धिज्म को जाहिर करता है। नेपाल में 81% लोग हिंदुज्म, 9% बुद्धिज्म, 4.4% इस्लाम, 3% किरण और बाकी 2% दूसरे मजाहिब से ताल्लुक रखने वाले लोग आबाद हैं। अगर नेपाल के जीडीपी बजट की बात की जाए तो 2016 में नेपाल का पेश करदा जीडीपी बजट 74.04 बिलियन डॉलर का था। नेपाल में कुल 82 तरह की जुबानें बोली जाती हैं, जिनमें भाजपुरी, किरांती, मैथिली, उर्दू और बाकी कई जुबानें, मगर यहाँ की कौमी जुबान नेपाली है। दुनिया में मौजूद सबसे छोटे तरीन कद वाला इंसान नेपाल में ही पैदा हुआ था, उसका नाम चंद्र बहादुर डंगी है।
और इसका कद सिर्फ 54.6 सेंटीमीटर तक है। अगर करेंसी की बात की जाए तो नेपाल का करेंसी नोट नेपालियन रुपया है। एक पाकिस्तानी रुपया नेपाल के 98 पैसे के बराबर बनता है। अगर कौमी नौयत की बात की जाए तो नेपाल का कौमी परिंदा हिमालयन मोनाल है। नेपाल का कौमी जानवर गाय है और नेपाल में भी इंडिया की बाद रियासतों की तरह गाय को जिबा करना गैर कानूनी है। और अगर कौमी खेल की बात की जाए तो मई 2017 तक नेपाल का कौमी खेल डिंडी बोयो यानी गुल्ली डंडा था, मगर 23 मई को नेपाल ने अपने कौमी खेल को बदल कर वॉलीबॉल रख लिया। नेपाल का कॉलिंग कोड +977 है, जबकि इंटरनेट डोमेन .np है। फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की मेरी ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ फेसबुक, व्हाट्सएप और ट्विटर पर शेयर करें। मिलते हैं इसी तरह की एक अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।